हाँ जी बच्चों, तो फाइनली आज हम लोग मिले हैं लेबर चैप्टर की समरी के लिए। और लेबर चैप्टर की समरी का जो पर्पस है, इस चैप्टर की समरी का जो पर्पस है, वो पर्पस सिर्फ एक है कि एक तो ऑब्वियसली आपका पूरा चैप्टर बहुत कम पेजेस में आपके सामने आ जाए, और दूसरा इसका पर्पस है कि सारी थ्योरी, जो लेबर चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है, वो इस समरी में आपकी कवर हो जाएगी। आपको अगर कल को चैप्टर पूरा रिवाइज करना है विद थ्योरी, तो आप इस समरी को पढ़ के चले जाओ, इससे बाहर आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। दैट इज इट, इससे ज्यादा की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे वर्ड्स हो रहे हैं बहुत छोटे, मैं इसको कर लेता हूं थोड़ा सा बड़ा, और थोड़ा डार्क भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, है ना? डार्क ज्यादा है ना? एग्जिट कहाँ है? एग्जिट, हाँ अभी कुछ ठीक हुआ। ठीक है, और हाँ जी, तो आज हम लोग मिले हैं लेबर चैप्टर की हम लोग समरी करेंगे। आ जाओ जी, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे को करना क्या है, अगर मैं थ्योरी एंगल से और प्रैक्टिकल एंगल दोनों से बात करूंगा, इस चैप्टर के अंदर हमारे को सबसे पहले लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझना था। ये पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए था। एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, जैसे मेटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लेबर की कॉस्ट को भी हमें कंट्रोल करना है। अटेंडेंस कैसे ली जाती है, ये प्योर थ्योरी है, अटेंडेंस कैसे ली जाती है, और पे रोल यानी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद वेज और इंसेंटिव सिस्टम, प्योर प्रैक्टिकल की कैसे आप वेजेस देते हो टाइम के हिसाब से, पीस के हिसाब से। उसके बाद ओवर टाइम की पेमेंट कैसे होती है थ्योरी, आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हल्का फुल्का। वेजेस कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस, जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं कि अभी एक सवाल आया था कि दो लेबर है एस और आर, एक सवाल आया था कि वो इतना इतना काम करते हैं और तीन जॉब्स में अपना इतना इतना टाइम देते हैं, ए में, बी में, सी में, तो वो क्या हो रहा था, उनकी टोटल वेजेस को आप अलग अलग जॉब्स में क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, डालते हो। उसके बाद एफिशिएंसी रेटिंग, कि किसी की एफिशिएंसी को रेट करना हो तो क्या होता है, प्योर थ्योरी, और लेबर टर्नओवर प्योर प्रैक्टिकल। ये आपके पूरे चैप्टर में बेसिकली सारे पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्लैश लेबर कॉस्ट, जो भी पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जो भी पैसा या जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉयर के क्या है वो लेबर कॉस्ट, मेरे लिए क्या है लेबर कॉस्ट। तो बेनिफिट्स दैट आर पेड और पेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी, चाहे परमानेंट काम कर रहा है, चाहे टेम्परेरी, चाहे कुछ भी, तो जो भी हम पैसे चाहे उसको कैश में दे रहे हैं, काइंड में दे रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए लेबर कॉस्ट है। ठीक है जी, अब एम्प्लॉय की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, ये आप सैलरी चैप्टर में भी पढ़ोगे, टैक्स में क्या क्या शामिल होता है। सर आप उसको वेजेस देते हो, वो आपके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसके लिए सैलरी, आपके लिए कॉस्ट है। आप अलाउंसेस देते हो, इंसेंटिव्स देते हो, बोनस देते हो, ओवर टाइम देते हो, उसके प्रोविडेंट फंड में या ईएसआई में कंट्रीब्यूट करते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री फूड, सब्सिडाइज फूड आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो। यानी कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी खर्चा अपने एम्प्लॉय पे करते हो, एम्प्लॉयर जो भी खर्चा अपने एम्प्लॉय पे करेगा, मेरे लिए वो क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। अब दो तरह की कॉस्ट हो सकती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। बचपन में हम ये पढ़ चुके हैं डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अब ये आपको डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या, डायरेक्ट बेसिकली अगर मैं बिल्कुल लेमेन टर्म से बात करूं, ऐसी लेबर कॉस्ट जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं आ सकता, दैट इज डायरेक्ट, और जिसके बिना भी मेरा प्रोडक्ट बन जाए दैट इज इनडायरेक्ट। बच्चे बोल रहे हैं समरी लिखनी है क्या नोटबुक में? नहीं बेटा, ये समरी मैं आपको दूंगा लेकिन अभी नहीं, बैच के एंड में पूरी एक प्रॉपर बुक आपको दूंगा समरी की, डोंट वरी। नेक्स्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, इनडायरेक्ट जिसके बिना भी प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज इनडायरेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस वो डायरेक्ट हो गया, और जो डायरेक्टली एंगेज नहीं है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगी मेरे लिए। इजिली आइडेंटिफाइबल है, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मशीन ऑपरेटर की सैलरी, जो व्यक्ति मशीन पे खड़ा होकर प्रोडक्ट बना रहा है उसको जो सैलरी दे रहे हो वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट लेबर है। मैं अपने एंगल से बात करूँ तो यहाँ जो टीचर को, फैकल्टी को मैं पेमेंट करूंगा दैट इज मेरे लिए डायरेक्ट लेबर। पॉइंट क्लियर हो गया? तो और इनडायरेक्ट लेबर बेसिकली क्या है, अब जैसे पियॉन है, गार्ड है, और उधर का पियॉन है, साथ वाले ऑफिस का, पूरी बिल्डिंग का गार्ड है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट लेबर मेरे लिए, जो इनकी पेमेंट जाती है दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। इनको हम किसी ना किसी बेसिस पे अपोर्शन कर देते हैं कितना कितना क्या है। उसके बाद जो डायरेक्ट होती है वो डिपेंड किस पे करती है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितने ज्यादा मैं सामान बनाऊंगा उतनी मेरी डायरेक्ट लेबर ज्यादा लगेगी, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर वॉल्यूम से, उसका आउटपुट से कोई नाता नहीं होता। पॉइंट क्लियर हो गया? जनरल पॉइंट है, बड़े ही जनरल। नेक्स्ट, अब एम्प्लॉय की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए? हमारा बेसिकली एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि मुझे एम्प्लॉय की कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल इज बेसिकली डन टू कंट्रोल द कॉस्ट इंकर्ड ऑन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज पे कॉस्ट कम होगी तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी मेरी कम आएगी, लेबर सस्ती होगी तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी मुझे कम मिलेगी, और टू गिव एम्प्लॉयज एप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन उनको मिले, और उनकी एफिशिएंसी भी हो। ऐसा ना हो कि आप इतने कम कर लो कंट्रोल करने के चक्कर में कि आपकी लेबर छोड़ के चली जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप जब एम्प्लॉय कॉस्ट को निकालते हो कि हमें एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मुझे अगर अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कितनों बंदों की रिक्वायरमेंट है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पता लगे रिक्वायरमेंट है 4 लोग की, रख लिए 10 लोग, तो फालतू की कॉस्ट बढ़ गई। टाइम और मोशन स्टडी करना चाहिए। अब जैसे हमारे पास मान लो 2 पियोन है, एक को बुलाते हैं हम सुबह 8 बजे, एक को बुलाते हैं 10 बजे। क्यों बुलाते हैं ऐसे? क्योंकि जो 8 बजे आएगा वो 6 बजे जाएगा, जो 10 बजे आएगा वो 8 बजे जाएगा। अब 2 लोग अगर रखे हैं तो एटलीस्ट हमारा ऑफिस सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, तो हम टाइम के हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर पे हमारा क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा लोग छोड़ के ना जाए। जॉब इवैल्यूएट करो और रैंकिंग के हिसाब से सबको जॉब दो। अब तुम एमबीए से टेलीकॉलिंग कराओगे या फिर एक पियॉन से तुम कहोगे भाई तू सिस्टम शटडाउन कर ले, किसी दिन सिस्टम खराब ही मिलेगा, यही होगा ना? तो आपको मेरिट के हिसाब से, जॉब के हिसाब से सबको काम देना चाहिए। उनकी टाइम कीपिंग देखो, 8 बजे का टाइम है ऐसा नहीं है 9 बजे आ रहे हैं मजे में आ रहे हैं कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडल टाइम नहीं होना चाहिए और ओवर टाइम पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अब कई जगह लेबर बहुत चालाकी करती है, नॉर्मल टाइम में तो धीरे धीरे काम करेगी जिससे काम उनका थोड़ा सा पेंडिंग रहे, और फिर उसका बॉस बोलेगा ओवर टाइम कर लो तो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए, ओवर टाइम में वही काम 2 घंटे में हो जाता है क्योंकि उनको ओवर टाइम के पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए ऐसे करते हैं लोग। अपने यहाँ अच्छे अच्छे बोनस सिस्टम लेके आओ, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो कि लोग सही से कम समय में ज्यादा काम कर पाए। जनरल सवाल है कि अगर आपको एम्प्लॉय की कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन घर जाने की तो जल्दी होती है ना। अब 8 बजे मान लो जॉब है 6 बजे तक, जानबूझ के थोड़ा सा काम बचा लेंगे, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा ही होता है। फिर 6 बजे के बाद वही काम जो दिन में 4 घंटे में हुआ था वही काम 6 बजे के बाद 2 घंटे में होता, क्योंकि घर भी तो जाना है, फैमिली भी देखनी है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे बस थोड़े से लिए, फटाफट काम खींचा, निकल गए, ऐसा ही होता है। टाइम कीपिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग में मतलब कि कितने लोग कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है फैक्ट्री के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम कीपिंग। टाइम कीप करना मतलब उसको लिखना प्रॉपरली, उसको मेंटेन करना, ठीक है जी। अब इसका फायदा क्या होगा तुम बताओ, जनरल सवाल है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स है टाइम कीपिंग में, मैं टाइम क्यों रखूँ सबका, कौन आ रहा है कितने बजे जा रहा है? एक तो सैलरी कैलकुलेट करने में काम आएगा, एफिशिएंसी देखने में काम आएगा, और बहुत सारी चीजें, उनकी पेरोल बनाने, पेरोल मतलब सैलरी बनाने में काम आएगा, ओवर टाइम कैलकुलेट करने में काम आएगा, एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालने में काम आएगा, उसको कंट्रोल करने में काम आएगा, आइडल टाइम निकालने में काम आएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेना है पर्पस के लिए काम आएगा, और वो आपके खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम के हिसाब से, तो टोटल टाइम तो आपको पता होना चाहिए ना, ए ने कितना लिया, बी ने कितना लिया। तो ये सब चीजें बड़े जनरल पॉइंट है। अब
टाइम कीपिंग कैसे कर सकते हो, मतलब कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, टाइम कीपिंग कैसे कर सकते हो। पुराने जमाने में रजिस्टर बना लो, हमारे यहाँ भी आज के जमाने में रजिस्टर बना हुआ है, जो एम्प्लॉय आता है कितने बजे आया, कितने बजे गया, साइन करके चला जाता है। और या फिर टोकन मेथड, मेटल डिस्क जैसे आजकल होता था, मेटल की एक डिस्क होती है और टोटल टाइम होता है, मतलब वो आपने देखो कार्ड पंचिंग कहीं पे देखा होगा, आजकल वो भी चल रहा है, आजकल तो फिंगरप्रिंट भी हो गया है, उससे भी तेज टेक्नोलॉजी, फेस डिटेक्शन हो गया कि जब तक फेस नहीं दिखेगा तब तक हम आपकी मतलब अटेंडेंस मानी नहीं जाएगी। तो जब एम्प्लॉय आएगा उसके सामने कैमरे के आगे खड़ा होगा, उसका फेस डिटेक्ट होगा, तब उसकी प्रेजेंट मार्क होगी और उसका टाइम कैलकुलेट वहीं से शुरू हो जाएगा। पंच कार्ड आ गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बायोमेट्रिक वही उंगली वाला सिस्टम आ गया। तो ये सब क्या है, मेथड्स हैं ऑफ टाइम कीपिंग की, कैसे एम्प्लॉय का टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। अब टाइम बुकिंग क्या है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में अंतर है। अ मेथड वेयर इन ईच एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड, हम टाइम बुक करते हैं। टाइम कीपिंग में तो भाई तू सुबह ऑफिस में घुसा और शाम को ऑफिस से निकल गया, दिस इज टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग का मतलब इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में, लंच में, वॉशरूम में कितना कितना टाइम लगा, एक एक पूरे दिन का ब्यौरा, डिटेल, दैट इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग, उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। उससे क्या पता लगेगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काम दिया अपने स्टाफ को करने के लिए, उसने वो काम 2 घंटे में किया, मैंने उसको नोट कर लिया, दिस इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग। अब क्यों नोट किया, उससे क्या फायदा होगा, एक तो पहले आपको पता लगेगा ये काम इसने 2 घंटे में किया है तो यार इसकी तो पूरे दिन की सैलरी इतनी महंगी है, 2 घंटे तो इसने फालतू काम में लगा दिया, मैं आज के बाद वो काम कराऊंगा ही नहीं, मुझे लग रहा था 15 मिनट में हो जाएगा, चल कोई बात नहीं, 2 घंटे लगा दिए उस काम में तो उसकी सैलरी तो चली गई ना, मेरे पे तो फालतू का बर्डन आ ही गया, छोटा सा गंदा सा काम था, एफिशिएंसी निकालने के काम आएगा। और वेरिएंस होता है डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के काम आएगा कि स्टैंडर्ड ये नाम काम नॉर्मली तो 15 मिनट में होता है, मुझे पता है इस बार उसने 2 घंटे लगा दिए काम करने में, तो मुझे डिफरेंस समझ में आया कि क्यों आया, क्या मैं कैमरा खोल के देख रहा हूँ भाई क्यों किया, तो इससे पता लगता है बेसिकली, आपका एम्प्लॉय पर नजर रहती है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब पेरोल, पेरोल का मतलब होता है सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब बिल्कुल थियोरिटिकल बातें हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। आपका 120 नंबर का पेपर आता है जिसमें से एक सवाल आपका 6th क्वेश्चन प्योर थ्योरी आता है 20 नंबर का, वो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार वो इतना, कई बार क्या होता ही टुच्चा है, लेकिन उसके लिए थ्योरी में पढ़नी हर चैप्टर की पड़ेगी, तब वो हम 5 5 नंबर के 4 पार्ट 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसमें यही सवाल आएंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, बहुत इजी सवाल आते हैं लेकिन हल्का फुल्का उनके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हमने कोशिश ये कि बच्चा जो समरी पढ़े तो उसके दो पर्पज हैं, एक तो सारे जो प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं वो कवर हो जाए और दूसरा आपकी जो थ्योरी है वो सारी समरी में ही कवर हो जाए, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब पेरोल का क्या प्रोसीजर है, पेरोल मतलब सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे दी जाती है। सबसे पहले टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति का टाइम कैलकुलेट हो रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है, और एचआर डिपार्टमेंट वाले जिन्होंने उनको हायर किया है ये पेरोल वालों को टाइम बताते हैं कि भाई इसका टाइम हमने जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डिसाइड किया था वो 9 से 6 किया था। टाइम कीपिंग वाले बता रहे भैया ये तो रोज 9:30 आता है और 5:30 चला जाता है, तो इन्होंने बताया क्या टाइम होना चाहिए था, इन्होंने बताया एक्चुअल टाइम। एचआर वालों ने इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड किया होगा कि तुम्हें कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं जाना है। तो पॉइंट क्या है, एचआर वाले क्या करते हैं, एचआर वाले आपको बताते हैं क्या कितने टाइम होना चाहिए था, और टाइम कीपिंग वाले क्या बताते हैं कितना टाइम है। अब पेरोल वाले यानी सैलरी वाले वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल निकालते हैं, उनकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं, डिडक्शंस करते हैं और करके उनको सैलरी दे देते हैं। सबसे पहले टाइम एंड अटेंडेंस हुआ जो हम टाइम कीपिंग वालों ने बताया, सेकेंड नंबर पर एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल एचआर वालों ने बता दी, पेरोल वालों पे आ गई, इनका काम है थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट काम इनका है सेकंड काम इनका है, थर्ड और फोर्थ काम है पेरोल वालों का, इन्होंने सैलरी कैलकुलेट कर दी और उसके बाद इन्होंने कॉस्ट डिपार्टमेंट वालों को बता दिया कि भैया ये सैलरी बनती है, उन्होंने या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, छठा काम इनका है, एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी और जो उसके टैक्सेस बनते थे वो स्टैट्यूटरी बॉडीज को जमा करा दिए, टीडीएस वीडीएस काट के उनका जमा करा दिया। ये कहानी है पेरोल डिपार्टमेंट की, बड़ी जनरल पॉइंट है। तो वो ये देखो स्टेप वाइज, ये 4 5 नंबर का कभी कभी 6 नंबर का भी सवाल आया हुआ है, स्टेप्स ऑफ पेरोल की, पेरोल प्रोसीजर क्या है, कैसे एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होती है। तो स्टेप 1 में क्या है, वन सबसे पहले वन है टाइम कीपिंग वाले देखते हैं एक्चुअल टाइम क्या है, सेकेंड नंबर पे एम्प्लॉय की डिटेल ये एचआर वाले बताते हैं पेरोल वालों को, फिर पेरोल वालों दोनों तरफ से जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वेज की कैलकुलेशन करते हैं,
और डिडक्शंस टैक्सेस वैक्सेस काट के जमा करा देते। तो अकाउंट्स वाले फिर क्या करते हैं, जब वहां से डिपार्टमेंट से आ गया भैया इसकी इतनी सैलरी बनती है, इतने डिडक्शंस बनते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आ गई कॉस्ट वालों के पास, अकाउंट्स वालों के पास, और उन्होंने क्या किया, पेमेंट कर दी, और जो टैक्सेस बनते थे वो स्टैट्यूटरी बॉडीज को दे दिए। बस ये सब चीजें इंग्लिश में आपको स्टेप्स में बतानी है। यहाँ पे सबसे पहले अटेंडेंस और टाइम की डिटेल टाइम कीपिंग वाले, फिर एम्प्लॉय की डिटेल एचआर वाले, फिर वेजेस की कैलकुलेशन पेरोल वाले, पेमेंट टू एम्प्लॉय अकाउंट्स वाले, स्टैट्यूटरी बॉडीज को टैक्सेस वैक्सेस पे करना, ये भी कौन करता है, अकाउंट्स वाले पे कर देते हैं। कहानी खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, जब आपकी लेबर खाली बैठती है। दो बात, दो तरह के आइडल टाइम हो सकते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हाँ इतना तो हो गई होगा, नॉर्मली इतना होता ही है डेली बेसिस पे। एबनॉर्मल का मतलब विच इज बियॉन्ड नॉर्मल, कभी कभी ज्यादा हो गया, पावर फेलियर हो गया, लाइट चली गई, तो दैट इज एबनॉर्मल। तो टाइम जब नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज वर्कर वॉज रिमेन आइडल, लेकिन उनको उस बात के क्या दिए जाते हैं, पैसे तो दिए ही जाते हैं, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसके रीजंस क्या हैं सर, फैक्ट्री गेट से लेके प्लेस ऑफ वर्क तक आने में समय लगना, फैक्ट्री से लेके जहाँ पे उसकी मशीन रखी है वो तो 15 मिनट लगाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, अभी जिंदल मान लो, जिंदल स्टील है, टाटा पावर है, आई मैं गया हूँ वहाँ पे, मतलब एक तरीके से वो अपना शहर बसा हुआ, अंदर कंपनी के अंदर पूरा शहर है। मान के चलो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, एक गेट से दूसरा कॉर्नर इज 20 से 25 किलोमीटर, एक गेट कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, और अंदर ही रेलवे स्टेशन है, अंदर ही एयरपोर्ट है, इतना बड़ा प्लांट है जिंदल स्टील का, मैं गया हुआ हूँ। तो वहां से फैक्ट्री के जो गेट से लेके जो असली में फैक्ट्री है वहां तक जाते कार पे, बाइक पे, स्कूटर पे, वहां पे जाने में 15 मिनट लग जाते, दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम। उसकी पंचिंग तो भारी हो गई लेकिन वो 15 मिनट लगा रहे हैं, वो नॉर्मल आइडल टाइम है, वो तो होगा ही होगा। इंटरवल बिटवीन एक जॉब से दूसरे जॉब, सेटिंग अप टाइम, मशीन को सेट करने में टाइम लग गया, नॉर्मल रेस्ट ब्रेक फॉर लंच एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल क्या हुआ जी, चलो इसका ट्रीटमेंट देख लो। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मान लो आपकी एक लेबर है जो आपसे 10,000 रुपये लेती है, 100 घंटे आपसे तय हुआ, लेकिन जनरली वो 80 घंटे ही काम कर पाती है बिकॉज 20 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हमें पर आवर कितना बढ़ गया, 10,000 डिवाइड बाई 80, हम अपनी पर आवर की जो कॉस्ट है वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं नॉर्मल की वजह से। पॉइंट क्लियर हो गया। और मान लो उसने 10 घंटे एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिए, तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरे को पर घंटे की कॉस्ट पड़ती है, इसमें से अगर उसने 10 घंटे और वेस्ट कर दिए तो 10 घंटे ये मेरा क्या आ गया, एब नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मली जो वेस्ट करते हैं वो तो नॉर्मल हुआ, एब नॉर्मल क्या हो गया, जो उसके बियॉन्ड वेस्ट किया। इसका ट्रीटमेंट है, हमने कॉस्ट को अपनी बढ़ा दिया। नेक्स्ट, अब एब नॉर्मल क्या होता है जी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पावर फेलियर की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से, रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, पुअर सुपरविजन है, फायर, फ्लड एक्सेट्रा, इनकी वजह से जो आइडल टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज एब नॉर्मल आइडल टाइम, और वो मेरे लिए पूरे का पूरा क्या है, लॉस है। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब कंट्रोलेबल एब नॉर्मल आइडल टाइम और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का मतलब जो आप जिसको कंट्रोल कर सकते थे, जैसे रॉ मटेरियल टाइम पे क्यों नहीं आया, आप 2 दिन पहले ऑर्डर कर लेते तो वो कंट्रोलेबल था। देखो जी, टाइम विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड पुट टू प्रोडक्टिव यूज, जिसका प्रोडक्टिव यूज कर सकते थे अगर मैनेजमेंट थोड़ी सी भी एफिशिएंट और अलर्ट होती, दैट इज एब नॉर्मल आइडल टाइम, लेकिन कंट्रोलेबल। टाइम लॉस जो अनकंट्रोलेबल का मतलब जिसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे मशीन टूट गई, ब्रेक डाउन हो गया मशीन का, तो वो तो अनकंट्रोलेबल है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, सेपरेट आइटम दिखाते हैं, कॉस्टिंग पीएल में लॉस की तरह हम इसको दिखाते हैं, बस आपको इतना सा पढ़ना है। अब बात आती है ओवर टाइम की। ओवर टाइम क्या होता है, जब व्यक्ति अपने समय से ज्यादा काम करता है दैट इज ओवर टाइम, उसको हम ओवर टाइम कहते हैं। और ओवर टाइम की पेमेंट जनरली नॉर्मल रेट तो हम देते ही हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी देते हैं ओवर टाइम की अलग से। मतलब मान लो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये पर आवर हमसे लेता है नॉर्मल टाइम, ऐसा सवाल भी हम लोगों ने किया था, अगर वो ओवर एंड अबव नॉर्मल टाइम करेगा तो हमसे 175 रुपये पर आवर लेगा, तो 100 रुपये तो ले ही रहे एक्स्ट्रा टाइम काम करने के, 100 तो ले ही रहे, 75 एक्स्ट्रा ले रहे कि मैं एक्स्ट्रा बैठा हूँ, और संडे को काम करेगा तो 225 रुपये पर आवर लेगा, ऐसा सवाल भी हम लोगों ने किया था। तो ओवर टाइम में जो हम किसी को वेजेस देते हैं वो क्या क्या देते हैं, ओवर टाइम में जो हम वेजेस देते हैं, एक तो नॉर्मल तो देते ही देते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या होता है, वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से जो काम होता है दैट इज क्या बोलते हैं, ओवर टाइम। क्या रीजन है,
क्यों होता है ओवर टाइम? अर्जेंसी है तो चार्ज टू जॉब, याद दिलाता हूं, ऐसा सवाल था जिसमें कस्टमर के कहने पे हमने ओवर टाइम किया तो हमने उसकी जॉब में चार्ज कर दिया था क्योंकि अर्जेंसी थी। उसके बाद शॉर्टफॉल आ गई है प्रोडक्शन में क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक डेवलपमेंट हो गई है, तो हम उसको ओवरहेड की कॉस्ट को क्या कर लेते हैं, एवरेज निकालते हैं। याद दिलाता हूँ, 117 रुपये पर आर कुछ आ गया था कि मुझे ऑन एन एवरेज इतना पड़ता है, मैं सबसे यही कलेक्ट करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट था। उसके बाद फॉल्ट है मैनेजमेंट में, कुछ फॉल्ट है तो अगर ओवर टाइम नॉर्मली आप करते ही हो तो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसे लगे जिस डिपार्टमेंट में लगे उस डिपार्टमेंट में आप चार्ज करोगे, प्रैक्टिकली नहीं आता, ये प्योर थ्योरी है। और अगर मार्केट एक्सपैंड हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, उसको अपना कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दोगे। इस पे बेस्ड वो एक सवाल है प्रैक्टिकल जो आपको पेपर में आ सकता है। ये आई है मेन बात, आज तक हमने जो पैसे दिए हैं अपने लेबर को, वेजेस जो हम देते हैं वो कैसे दे सकते हैं? सर या तो टाइम के हिसाब से दोगे, टाइम के हिसाब से कैसे दोगे, टाइम टेकन जितना भी उन्होंने टाइम लिया इंटू में वेज रेट। सर या तो पीस के हिसाब से पैसा दोगे, जितने पीसेस बनाए इंटू में पर पीस जो भी आपका तय हुआ, या फिर सर आप कोई प्रीमियम दोगे। प्रीमियम बोनस मेथड में हमारे सिलेबस में क्या है, एक तो हाल से है उसमें टाइम टेकन इंटू में वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू में वेज रेट। और ये रहा जी इसके क्या फायदे हैं, इसके फायदे एडवांटेजेस आप रीड करोगे हाल से के क्या फायदे हैं। सर एक तो इसमें फायदा ये कि आप कम से कम उसको टाइम रेट का तो दे ही रहे हो जो उसका टाइम के हिसाब से बनता है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उसको ज्यादा कमाने की, और सिस्टम इज इक्विटेबल। इक्विटेबल का क्या मतलब है, जो जितना ज्यादा टाइम सेव करेगा उसको उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। इसके इनडायरेक्ट डिसएडवांटेज क्या है, इंसेंटिव उतना स्ट्रांग नहीं है पीस रेट के मुकाबले। हार्डर द वर्क वर्कर वर्क्स लेसर ही गेट्स पर पीस, कैलकुलेट कर लेना। अभी मान लो कोई 10 घंटे का काम 2 घंटे में करता है तो उसको 2 घंटे की तो बेसिक वेजेस मिलेंगी, टाइम सेव्ड इज 8 घंटे, 8 घंटे का 50% मिलेगा। और वहीं कोई व्यक्ति अगर पूरे 10 घंटे वाला काम 10 घंटे में ही करे तो उसको तुम 10 घंटे पूरी वेजेस दोगे, और कोई व्यक्ति 10 घंटे वाला काम 2 घंटे में करे तो 2 घंटे की पूरी और बाकी 8 घंटे की आधी। तो इसमें क्या नुकसान ही है, डिसएडवांटेज तो एक तरीके से। और शेयरिंग प्रिंसिपल मे नॉट बी लाइक्ड बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को ये चीज अच्छी भी नहीं लगती। जनरल सवाल है, पेपर में आ सकता है। उसके बाद रोवन में हमने क्या पढ़ा था, टाइम टेकन इंटू में वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड ब्रैकेट में टाइम टेकन इंटू में वेज रेट। इसकी एडवांटेजेस ये आपको रीड करनी चाहिए, एग्जाम में आती है। वर्कर अपनी कभी भी डबल अर्निंग नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी आप करके देख लो, रोवन में कभी उसकी अर्निंग डबल नहीं होगी, नेवर डबल अर्निंग बिकॉज सेटिंग ऐसी है कि डबल नहीं होगी। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, हमें ज्यादा हमारे को कभी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद ये एंकरेज करता है एफिशिएंट वर्कर को, और अपील्स टू द एम्प्लॉयर एज बीइंग इक्विटेबल, ये भी इक्विटेबल है, जनरल जस्टिफाइड बात करता है। डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हायर प्रोडक्शन लेवल जहां पे टाइम सेव्ड अगर मोर देन 50% है तो वहां पे इंसेंटिव क्या है, वीक है, क्योंकि जिसने टाइम सेव्ड अगर 50% से ज्यादा कर लिया, 60% टाइम सेव कर लिया, 70% टाइम सेव कर लिया, तो उसका जो शुरू की वेजेस होते हैं ना टाइम टेकन इनटू में वेज रेट, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम। अब आप समझो 10 घंटे वाला काम अगेन किसी ने 2 घंटे में कर दिया तो उसने कितना टाइम सेव किया, 80%। तो आप उसको पता है कितने रुपए दोगे, 2 घंटे इंटू में 10 रुपए, टाइम टेकन इंटू में वेज रेट इज 20 एंड 80% ऑफ अगेन 20, 16 रुपए, 20 और 16 कितने, 36 रुपए। और वहीं कोई 10 घंटे वाला काम 10 घंटे में करेगा, आप उसको पूरे 100 रुपए दोगे, 10 घंटे इंटू में 10 रुपए। तो ये वीक है, ये हर जगह यही है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ वेजेस, और ये छोटा सा पॉइंट है, एफिशिएंसी वैसे आगे जाके आता है बट स्टिल मैं आपको इसी चैप्टर में बता देता हूँ। और वेजेस के अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, जब आप टैक्स में सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। एम्प्लॉय को मॉनेटरी पेमेंट मतलब जो कैश में जाती है, नॉन मॉनेटरी पेमेंट का मतलब जो काइंड में हम बेनिफिट देते हैं। तो वेजेस में बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंस, ओवर टाइम, प्रोडक्शन बोनस, एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, ये सब मॉनेटरी पेमेंट है, जनरल पॉइंट है, इसमें कुछ पेपर में आने लायक नहीं है। और नॉन मॉनेटरी पेमेंट क्या होती है, जो आप उसको फैसिलिटी दे रहे हो, मेडिकल की, एजुकेशन की, ट्रेनिंग, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स, एजुकेशन, जो भी आप फैसिलिटीज देते हो एम्प्लॉय को वो सब नॉन मॉनेटरी है। अब बात आती है एफिशिएंसी की, एक्चुअली अब सूटेबल क्यों नहीं रह गया, पहले तो आता था एमर्सन, गैंट, टेलर, ये सब भी प्लान्स थे हालसे के अलावा। तो वहां पे पहले हम लेबर की क्या निकालते थे, एफिशिएंसी, कि उसने कितना वो एफिशिएंट है।
वो निकालते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि मान लो अगर किसी व्यक्ति ने 8 घंटे काम किया, ठीक है, टाइम टेकन, और उसको टाइम अलाउड है मान लो 10 घंटे, तो मैं तुमसे पूछता हूँ वो कितने प्रतिशत एफिशिएंट है, कैसे निकालोगे? अगर किसी व्यक्ति ने 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में कर दिया, मेरा सवाल तुमसे ही है वो कितने प्रतिशत एफिशिएंट है? 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में कर दिया उसने, तो कितने परसेंट एफिशिएंट है? मुझे पता था यही जवाब आएगा। तुम 80% है, 10 घंटे वाला काम उसने 8 घंटे में के कम टाइम लिया है, तो ही इज एफिशिएंट मोर देन 100% रादर। 80% थोड़ी एफिशिएंट है, 80% एफिशिएंट का मतलब तो ये होता कि बनानी होती 100 यूनिट, बनाई है 80 यूनिट। अब आप समझो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टाइम अलाउड है मान लो 10 घंटे और टाइम टेकन है 8 घंटे। अगर टाइम के हिसाब से देखोगे तो कितना एफिशिएंट आएगा? सर 10 घंटे डिवाइड बाय 8 घंटे इंटू में 100, यानी टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इंटू में 100, ये आएगा 125% या 120%, इतना कुछ आएगा, करके देख लेना, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 8 इज 125 या 120, जो भी आएगा। एक और तरीके से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, आप देखना ध्यान से, जो तुमने किया, टाइम अलाउड है 10 घंटे, 10 घंटे में जो यूनिट्स बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 100, उसने जो एक्चुअल में यूनिट्स बनाई, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल में जो यूनिट्स बनाई वो बनाई 80, तो 10 घंटे में 100 बननी चाहिए थी और 10 घंटे में बनी 80। अब तुम क्या कह सकते हो, ये व्यक्ति कितना एफिशिएंट है? अप टू 80%। तो वो कैसे निकाला? 80 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100, यानी एक्चुअल यूनिट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट इंटू में 100। तो जब आप यूनिट के हिसाब से निकालोगे तो एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड करोगे, लेकिन जब टाइम के हिसाब से निकालोगे तो स्टैंडर्ड यानी टाइम अलाउड, टाइम टेकन इज एक्चुअल, तो आप स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल करोगे एफिशिएंसी निकालने के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है क्या, ये आप रीड करेंगे अपने आप कि क्या फैक्टर्स हैं जिससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो। चलो मैं ही करा देता हूं, कुछ नहीं है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? सर राइट टाइप के स्किल वाले एम्प्लॉय रखो अपने पास, जिसको टेलीकॉलिंग करना ही अच्छा नहीं लगता उससे टेलीकॉलिंग कराओगे तो वो कभी इंटरेस्टिंगली काम नहीं करेगी और 10 घंटे वाला काम 20 घंटे में करेगी, क्योंकि उसका मन ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है। राइट टाइप ऑफ पर्सन टू द राइट जॉब होना चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यंग और ओल्ड को, दोनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, राइट टाइम अपॉर्चुनिटीज दो। अप्रोप्रिएट मेजर्स लो, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए आपके पास कभी भी। और वर्क स्टडी फिक्सेशन ऑफ वेजेस, आप एक स्टडी करो कि वेजेस कैसे देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जो फालतू में ओवर हाइप्ड एम्प्लॉय, एक को तो आप इतनी वेजेस दे रहे हो कि जिनकी थोड़ी कम है वो देख के सड़ रहा है। ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकली होता था। अभी मैं एज अ सीए जब कभी कहीं एम्प्लॉय मतलब हुआ था शुरू में कैंपस प्लेसमेंट में, तो वहां पे मेरे से सीनियर्स, 10 10 साल सीनियर्स मेरे से 50% सैलरी ले रहे थे, 50% कम। तो देवर लाइक देवर जेलस, तो या तो मुझे निकालने पे आतुर हो गए कि इसको हटाओ, उनको जलन थी कि ये हमारे से इतनी कम उम्र में व्यक्ति हमसे इतनी डबल सैलरी कैसे ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से क्या होता है, ऐसी सिचुएशन की वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी घटती है। वो तो इतनी सैलरी ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मेरे को इतनी कम सैलरी मिल रही है, सारा काम का बर्डन मेरे ऊपर है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि वो 20 साल 10 साल 5 साल डिग्री लेके आया, पढ़ के आया, उस 5 साल में जो आपने कमाया वो मैंने नहीं कमाया, मैं उस 5 साल में पैसे घर से लगा रहा था और अब पढ़ रहा था जब आप पैसे कमा रहे थे, तो वो लोग नहीं समझते। खैर एनीवेज, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर, ये तो हम कर चुके हैं। एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर में 3 मेथड्स हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज, कितनी लेबर आई और गई, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स, कितनी लेबर आई और कितनी चली गई, दैट इज कॉल्ड एज लेबर टर्नओवर। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेपरेशन मेथड से। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज इनटू में 100। उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड से कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज इनटू में 100। और फ्लक्स मेथड से कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन वाले भी डिवाइड बाय एवरेज इनटू में 100। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं। ये हमारा का इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, ये मैंने आपको पढ़वाया भी था कि
एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों होता है। कुछ होते हैं पर्सनल रीजन, वही पॉइंट है यहाँ पे, प्री मेच्योर रिटायरमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब से संतुष्ट ना होना। कुछ होते हैं अनअवॉइडेबल, सीजनल नेचर है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लांट लोकेशन बदल गए, डिसेबिलिटी है, डिसिप्लिनरी चोरी चकारी कर ली। कुछ होते हैं अवॉइडेबल, डिससेटिस्फैक्शन है जॉब से, स्ट्रेन रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ रिक्रिएशनल, लो वेजेस, ये सब क्या है अवॉइडेबल रीजन, पेपर में आ सकता है। और उसके बाद एम्प्लॉय टर्नओवर से क्या होगा, आपका इवन फ्लो डिस्टर्ब होगा, न्यू वर्कर की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, लो होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपकी बढ़ जाएगी, और इंक्रीज ब्रेकेज होगा, ज़्यादा टूल्स तोड़ेंगे नए लोग, और रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब याद है एक सवाल हमने किया था, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट, की लेबर जब जाती है तो आपकी दो कॉस्ट लगती है, एक तो खर्चे होते हैं आपकी जेब से और एक प्रॉफिट फॉरगॉन। वही चीज़ है यहाँ पे कि आपकी जब एम्प्लॉय टर्नओवर होता है तो उसकी क्या खर्चा आपके सर पे पड़ता है। एक तो होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट, प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब होता है कि जो लेबर छोड़ के जा रही है उसको रोकने के लिए कि मत जाओ, आपके कुछ पैसे लग जाते हैं, और जो चली जाती है उनकी जगह पे नए आने के लिए भी आपके पैसे लग जाते हैं। समझो दो टाइप की लेबर है, एक जाने को तैयार है, एक को तो हमने रोक लिया लेकिन उसकी सैलरी बढ़ा दी, उस पर कुछ खर्चे कर दिए, दैट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर को रोकने की कॉस्ट। और जो लोग चले गए उनके अगेंस्ट जो नए लोग लेके आए उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एचआर वालों की सैलरी जा रही है, वो सब क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब विच इज इनकर्ड टू प्रिवेंट एम्प्लॉय टर्नओवर, कि हमारे एम्प्लॉय टर्नओवर हो ही ना। जैसे कि मेडिकल तेरे को फैसिलिटी दे देंगे ज्यादा, एम्प्लॉय के वेलफेयर करने के लिए पेंशन उसकी बढ़ा देंगे, और खर्चे हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है वो ना जाए। और सबसे मेन यही होता है सैलरी बढ़ा दो, अगर आपका कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है जिस पे आपका बहुत चीज़ें डिपेंडेंट है उसकी सैलरी बढ़ा दो, वो जाएगा नहीं। वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए प्रिवेंटिव कॉस्ट है, जो हर धंधे में होती है, हर बिजनेस में होती है। हमारा भी कोई अगर ऐसा एम्प्लॉय है जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके जाने से हमारे काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है भाई चला जा, तेरे को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम रोकते नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके जाने से हमें फ़र्क पड़ेगा, हमारा धंधा डिस्टर्ब होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ, सीधा 50% सैलरी बढ़ाता हूँ, बंदा जाता ही नहीं है। वो मेरे लिए क्या हो जाता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर को रोकने की कॉस्ट। ऐसे नहीं होता ना, शुरू तो 10% से करता हूँ, मेरे मन में 50 होता है लेकिन शुरू 10 से करता हूँ, 50 पे वो सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट मतलब जो छोड़ के चले गए नहीं मान रहे उनकी जगह पे जो नए आएंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और एबनॉर्मल ब्रेकेज करेंगे, फालतू का स्क्रैप जनरेट होगा, एक्स्ट्रा वेस्टेज होगी, ओवरहेड्स खर्चे होंगे ड्यू टू इनएफिशिएंसी। अब जो नया आएगा उसको काम सिखाने में टाइम लगेगा, वो गलतियां करेगा, उस गलतियों का भुगतान तो इन द एंड मेरे सर पे ही आएगा, तो व्हाट इज दैट, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये आपकी जनरल था, हमने पूरा लेबर का चैप्टर हर एस्पेक्ट से कंप्लीट कर लिया। इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल देखोगे तो तीन सवाल आपके प्रैक्टिकल बनते हैं, एक तो लेबर टर्नओवर प्लस रिप्लेसमेंट वाला, एक इंसेंटिव स्कीम्स, और तीसरा वो लेबर की कॉस्ट, नेट वेजेस और ग्रॉस वेजेस अर्नड वाला, वो तीन आपके टॉपिक बनते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तीसरा जो आपका टॉपिक बनता है इसके अंदर से वो ये वाला बनता है, ग्रॉस वेजेस अर्नड एंड नेट वेजेस, जितनी भी आपने वेजेस दिए हैं वो सब टोटल कर लो, वो आएगी टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, करोगे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, डिवाइड बाय आवर्स कर दोगे तो लेबर कॉस्ट पर आवर आ जाएगी। और दूसरा होता है ग्रॉस वेजेस एंड नेट वेजेस अर्नड, उसके लिए सिंपल सा ये कि जो भी आप उनको दे रहे हो कैश में बेनिफिट वो ऐड करो, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करो, या आएगी ग्रॉस वेजेस माइनस कर दो एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का जो वो पीएफ में डाल रहे हो, तो नेट वेजेस जितने वो अपने पैसे घर लेके गया। लेकिन एक बात क्या याद रखनी है कि अगर आपको एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आपको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करना है, इग्नोर कर देना है। पॉइंट क्लियर हो गया ना, ऊपर ऐड करना नीचे माइनस करोगे आप, पॉइंट क्लियर हो गया। और एक था लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वाले में आपको ओवर टाइम हमेशा क्या करना है, इग्नोर, बिकॉज वो नॉर्मल नेचर का नहीं होता। तो आपकी लेबर कॉस्ट आपके सर पे क्या पड़ रही है, जो भी आप कैश या काइंड में बेनिफिट दे रहे हो उसको प्लस करो, ओवर टाइम को इग्नोर करो, टोटल लेबर कॉस्ट आगे डिवाइड बाय आवर्स या डिवाइड बाय यूनिट कर दोगे तो पर आवर या पर यूनिट आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आपका बस लेबर वाला चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, और ये सब बातें हमने सब कुछ वैसे कॉपी में भी लिखी है, लेकिन एक कलरफुल समरी से क्या होता है ना, लास्ट में आपके कितने पेज है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पेज में आपकी पूरी लेबर की समरी आ गई है, जिसके अंदर पूरी थ्योरी कवर्ड है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ थ्योरी इससे बाहर नहीं आएगी आपको, मैं अभी आपको पेपर भी दिखाता हूँ कैसे थ्योरी आती है, रुको।
सप्लीमेंट्री में ही लास्ट में हमने आपका पेपर लगा दिया जो लेटेस्ट एग्जाम है, और लेटेस्ट है आपका हाँ दिसंबर 21 का, वो पेपर हमने इसके लास्ट में लगा दिया है। और थ्योरी के सवाल दिखाऊंगा, मिसलेनियस करके एक चैप्टर बनाया है उसमें डाल दिया, मतलब सब कुछ डाल दिया इसमें। इससे बाहर ये देखो, ये मिसलेनियस हमने जो चैप्टर बनाया है वो किस लिए बनाया है, थ्योरी के सवालों के लिए जो आपके इसमें आते हैं। ये सब अभी आप पढ़ोगे, ये दिसंबर 21 का एग्जाम है आपका। इसमें अगर मैं पहला सवाल अभी आपको करने का दूं तो आप आराम से कर लोगे, बहुत ही टुच्चा सवाल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, जिसने मटेरियल किया होगा ये बहुत आराम से कर लेगा। और वन का सी ये देख लो, दिसंबर 21 लेटेस्ट एग्जाम है। स्किल्ड वर्कर को आप 150 रुपये पर आवर देते हो, 8 घंटे लगाए हैं, रोवन में आप देते हो। अभी अगला पूछ रहा है कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। बोनस जो है वो दोनों से सेम होना चाहिए, सेम इफेक्टिव आर्ली अर्निंग, सेम सवाल हम लोग क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद मुझे जो आपको दिखाना है वो दिखाना है आखिरी सवाल जो थ्योरी का आता है, ये रहा। तो इसमें लेबर में से कोई भी नहीं है, एक सवाल है और ये सवाल अभी अभी किया, जस्ट हमने अभी अभी किया। पहला टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग चैप्टर वन है, ये अभी हमने किया नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ये चैप्टर हमने किया नहीं है, बजट वाला चैप्टर किया नहीं है, और ये चैप्टर भी चैप्टर वन है ये अभी तक हमने किया नहीं है। इंट्रोडक्शन जिसमें सिर्फ थ्योरी ही है और कुछ है ही नहीं, चैप्टर वन इंट्रोडक्शन में। अभी फिलहाल हमने ये किया था स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग लेबर टाइम स्टैंडर्ड्स, जो अभी हमने स्टेप्स किए थे कि लेबर के टाइम के जो स्टैंडर्ड्स है वो कब कैसे सेट करने चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। लेबर के जो ये टाइम के स्टैंडर्ड्स हैं, ये उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप लिखोगे पहली बात, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। और उसके बाद ये वाले स्टेप्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम के जो स्टैंडर्ड्स हैं सेट करने के क्या फायदे क्या नुकसान वो आपको बताने हैं, एज इट इज ये आपको इसमें लिखना है। तो मैं बस यही बोलूंगा, समरी पढ़ लो लास्ट में पेपर से एक दिन पहले। अगर आपको और कुछ नहीं करना है, आपने पूरी समरी भी पढ़ ली, थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, प्रैक्टिकल सारे आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। और क्वेश्चन जितने कर पाओ उतने कर लेना, ऐसी मटेरियल में भी आपकी लगभग जो समरी थी वो 1, 2, 3 पेज की समरी थी, और इंट्रोडक्शन की भी बन चुकी है। देखो अभी मटेरियल चैप्टर पेज 4 से शुरू हो रहा है, इससे पहले इंट्रोडक्शन है पेज 1, 2, 3 में, उसमें वो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन ये सब आपका इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आता है मेरे पास। रुको 1 मिनट, हर बैच में कुछ ना कुछ बनती है, मतलब हम वो करते जाते क्या वो मतलब बढ़िया उसको। तो खैर एनीवेज लास्ट में आपको दूंगा, पिछले साल में चेंजेस करके, पिछले साल भी हमने बनाई थी करवाई थी लेकिन उसमें मैंने चेंजेस कर दिए, इस बार थोड़ा और एडिशन डिलीशन वो तो खैर चलता रहता है। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय। आपका चैप्टर हो गया है समाप्त, अब हम इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी ओवरहेड्स, वो भी लास्ट इकलौता आपका एक बड़ा चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो प्योर थ्योरी है, मेटीरियल हो गया, लेबर हो गया, कल हम ओवरहेड्स करेंगे तो आपका 20 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा, 20 से 25 नंबर का, 1/4। कॉस्ट शीट हम लोग कर चुके हैं रिजल्ट से पहले, एबीसी कॉस्टिंग उसके बाद करेंगे, ऐसी स्टैंडर्ड मार्जिनल जनरल अच्छे अच्छे चैप्टर, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मज़ेदार पूरी आपकी कॉस्टिंग बची है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।